ओके यहाँ पे लेजेंड ने रिवाइव उनको फोर्स किया गया कि वो रिवाइव छोड़ दे, बट जेस्टो जो यहाँ पे होल्ड करते हैं और इसके साथ लेजेंड को भी नॉक कर देंगे, बट टेम्पेस्ट जो है स्पाइडरमैन जंप करते हैं, जेस्टो पीछे की तरफ जाएंगे, उनके पास एसक्यूएल के रहने वाली है, एक बुलेट टेम्पेस्ट को दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। अब टीम एक्स स्क्वाड भी यहाँ पे दिक्कत में आ रही है, सोल की भी वहाँ पे फाइट होते हुए दिख रही है, तीन टी के साथ मेरे साथ सोल की स्क्वाड ने जो है यहाँ पे एफएस की स्क्वाड को वाइप कर दिया है। सो काफी बढ़िया फाइट ऑलरेडी, जैसे ही यहाँ पे मैच स्टार्ट नहीं हुआ वैसे ही फाइट होनी स्टार्ट होगी। टेम्पेस्ट ने यहाँ पे टीम एक्स रेशो को नॉक किया है, सो टीम एक्स स्क्वाड की तरफ से यहाँ पे लास्ट प्लेयर बाकी रहते हैं 420 ओपी, जो कि यहाँ से फॉल बैक करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। सोल के प्लेयर्स भी जो है यहाँ पे हमें फाइट लेते हुए दिख रहे, तो सोल की स्क्वाड की तरफ भी हम चलते हैं। तो बात करें तो 7 किल के साथ उनकी स्क्वाड यहाँ पे फाइट ले रही है और टीम एक्सिस प्लेयर को नॉक किया उन्होंने, और एंटी एक्सिस स्क्वाड के दो प्लेयर वहाँ पे नॉक होते दिख रहे, दो प्लेयर बाकी रहेंगे, बट टीम सोल जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, दे आर गोइंग ऑल इन दिस गेम। बट बात करें तो सोल के प्लेयर आगे चार्जिंग करने की कोशिश, ब्लेजी बिलीव एंड सीजे यहाँ पे बाकी रहेंगे और आगे की तरफ अपना गेम कंटिन्यू करेंगे। मैच के प्लेयर ने जो एंटी देखे नारू का किल कंफर्म किया, रैम्पेज के बनी जो है रिजेक्ट जेड के प्लेयर का किल कंफर्म करेंगे, बनी यहाँ पे एलिमिनेट होंगे, तो रैम्पेज की स्क्वाड आई बिलीव उसका एलिमिनेट हो चुकी है। गाइज हर एक जगह फाइट हो रही है, आई डोंट नो किस स्क्वाड की तरफ मैं जाऊँ, बट अब जो एनटीएक्स की स्क्वाड की तरफ भी यहाँ पे फाइट हो रही है, नोवा गॉडलेक की भी फाइट हो रही है, हर एक जगह फाइट हो रही है। नोवा गॉडलेक ने मेरे हिसाब से एलिमिनेट कर दिया है ओबीडीएम की स्क्वाड को और एग्जिस्ट को नॉक किया था, बट रेजर का किल तुरंत वैम्पायर नहीं लेते, सीधे वहाँ पे नॉक होंगे, ब्लेजी एंड बिलीव बाकी रहेंगे। अब सोल की स्क्वाड की तरफ से एनटीएक्स के प्लेयर अभी भी सामने नॉक होते हुए दिखेंगे, क्या ब्लेजी चार्जिंग करेंगे, चार किल अकेले ब्लेजी के पास रहेंगे, एक रैंडम फायर स्मोक में करने की कोशिश, यश के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश, यश को स्पॉट करेंगे ब्लेजी और काफी लो कर दिया उनको और चार्जिंग करने की कोशिश करेंगे बिलीव एंड ब्लेजी, यस को यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। लास्ट प्लेयर बाकी रहेंगे यहाँ पे जेटी बॉय जो कि अपने टीममेट को रिवाइव करने की कोशिश, बट ब्लेजी एंड बिलीव यहाँ पे साथ में रश करेंगे, थर्ड राइन एल के बीच में फाइट होते हुए दिख रहे, बिलीव को यहाँ पे नॉक कर देगा, बट ब्लेजी यहाँ पे क्या अपनी टीम को सेव कर पाएंगे, एंड यस वंस अगेन ही सेव्स हिज टीम। 7 किल ये बंदे के पास हो चुके हैं एंड इज डोमिनेटिंग करंटली, 13 किल टीम यहाँ पे, 17 मिनट होने वाले हैं कुछ ही देर में और वापस से फाइट जो है इंटेंस बैटल पे जाने वाली है। सीजे यू गाइस कैन सी यहाँ पे उन्होंने एक ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश की है एमवाईएम की स्क्वाड की तरफ, एमवाईएम की स्क्वाड यहाँ पे दो तरीके से सैंडविच होते हुए दिख रहे हैं, बिली इमॉर्टल को यहाँ पे नॉक किया है, बिलीव ने आगे रश करने की कोशिश, ब्लेजिंग यहाँ पे चार्जिंग करेंगे, देखते हैं एमवाईएम की स्क्वाड अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर पाती है नहीं, या फिर सोल की स्क्वाड ये सिचुएशन में अपने फेवर में उनका एरिया अपने कब्जे में कर लेंगे। यहाँ पे ब्लेजी जो गाइस चार्जिंग करेंगे और ब्लेजी की काफी लो है, क्या ये सिचुएशन उनके पूरे के पूरे साउथ में जाएगी, सीधे लास्ट में स्टैंडिंग रहते सोल की स्क्वाड की तरफ से, दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर देम, और इसी के साथ 1v2 की सिचुएशन मेरे हिसाब से उनके लिए रहने वाली है। यहाँ पे अक्की बाकी रहते हैं अभी भी, इमॉर्टल आई बिलीव तो नॉक है, यहाँ पे अक्की लास्ट में स्टैंडिंग अपनी स्क्वाड की तरफ से 1v1 की फाइट रहेगी, क्या यहाँ पे सीजे अपनी स्क्वाड की तरफ से क्लच कर पाएंगे, एंड यस वो क्लच कर जाते हैं, टीम सोल 17 किल के साथ यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, ऑब्वियसली उन्होंने नंबर्स एडवांटेज खो दिया, अब वहाँ पे यहाँ पे जाने की कोशिश भी करने वाले M16 एंड जो S12 के उनके पास रहने वाली आगे जाने की कोशिश यहाँ पे जरूर उनकी तरफ से होगी, बट मनु जो है तुरंत ही इंस्टेंटली रिपोजिशन करेंगे, यहाँ पे मनु की काफी लो हेल्थ यहाँ पे हो जाएगी, बट वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। सांगवान आई बिलीव सो नॉकआउट है वहाँ पे, ये सांगवान नॉक आपको देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट के नियो नाइक अपनी ही मौली से वहाँ पे नॉक होंगे, मनु और भी आगे जाने की कोशिश करे, सिनेस्टर को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, सो सोल की स्क्वाड यहाँ पे कल कंफर्म नहीं कर पाई, सांगवान और जैसे नॉक है, दक्ष को यहाँ पे स्प्रे करने की कोशिश करेंगे, मनु की भी काफी जो है उनको भी जल्द से जल्द हील करना है, फाइनली यहाँ पे मनु नॉक होते हैं, दो प्लेयर यहाँ पे पिकाड़ो में नॉक हमें होते हुए दिख जाएंगे, एक होते हैं मनु और सांगवान को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा इजिली, F120 के साथ फाइट हो रही है यहाँ पे, हाइप की स्क्वाड की प्रोटोटाइप जो है वो यहाँ पे नॉक होते हुए दिख रहे हैं, हर एक जगह यहाँ पे फाइट होते हुए दिख रहे हैं, टीम हेल कॉर्ड्स के प्लेयर आगे चार्जिंग करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी क्लोज आ चुके हैं रिवाइव के लिए, दक्ष और सोल के प्लेयर अभी भी अंदर है, बिलीव यहाँ पे आपको देखने को मिले है, दक्ष की तरफ स्वीपर देने की कोशिश की, दक्ष जो है बाहर की तरफ बोल्ट करेंगे एंड बिलीव को मारने की जरूर कोशिश करने वाले, और भी चार्जिंग है, सिनिस्टर को नॉक किया जाएगा, दक्ष लास्ट में शाइनिंग रहते, क्या यहाँ पे सोल अपने चारों के चारों प्लेयर्स के साथ आगे तरफ बढ़ेंगे, एंड यस हेल गॉड्स गेट्स एलिमिनेटेड एट पिकाडो बाय टीम सोल, यहाँ पे सर्कल के अंदर मूव करना है क्रूसिबल, यहाँ पे सर्कल से ही नॉकआउट हो जाएंगे और यहाँ पे टीम एक्स के प्लेयर सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करते हुए दिक्कत है उनके लिए कि वो जो है यहाँ पे नॉक आपको देखने को मिल रहा है, सोल की तरफ से भी एक प्लेयर नॉक है, टीम एक्स भी यहाँ पे एलिमिनेट होने के कगार पे, आदित्य भी यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं, टीम एक्स हैशटैग पे एलिमिनेट होगी, क्या सोल की स्क्वाड ये मैच चिकन निकाल पाएगी, 10 किल ऑलरेडी उनके पास आ चुके हैं, चार प्लेयर यहाँ पे चार टीम बाकी रहेगी और उनके लिए तीन ही अपोनेंट है और तीनों ही अपोनेंट अलग अलग टीम से रहने वाले, दिस कुड बी एन इजी चिकन बाय टीम सोल, देखेंगे किस प्रकार से वो लोग आगे गेम कंटिन्यू करते हैं, सांगवान
फिर को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है सक्रिय। एज यू गाइस कैन सी यहां पे डेप एक अच्छा खासा उनके पास है, चारों तरफ से उनको कोई स्पॉट नहीं कर सकता। बट नियो नाइट यहां पे सांगवान को नॉक करेंगे और दिक्कतें खड़ी करने वाले सोल के लिए। ये तीनों प्लेयर्स की ऐसी पोजीशन है कि सोल को उन्होंने काफी अच्छी तरीके से पिंच करते रखा है। अगर चाहे तो तीनों प्लेयर मिलकर सोल की स्क्वाड को वाइप कर सकते हैं, वरना एक एक करके जो उन्होंने वाइप करने की कोशिश की तो इनके लिए भी यहाँ पे दिक्कतें खड़ी होने वाली है। सो रियोनाइक सारांग एंड सक्रिय, तीन टीम से तीन अलग अलग प्लेयर्स वर्सेस तीन सोल के प्लेयर। यहाँ पे रियोनाइक ने हटा के सारांग को नॉक कर दिया गया। अभी सोल के लिए यहाँ पे सिचुएशन इजी होती हुई दिख रही है। सक्रिय यहाँ पे मारने की कोशिश करे सोल के प्लेयर को, बट सोल की स्क्वाड को सर्कल के अंदर मूव करना है। सक्रिय को भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। M76 के साथ स्प्रे देने की कोशिश जो कि रैबल नहीं रहेगा। यहाँ पे बहुत करते सांगवान को नॉक भी करेंगे। काफी शानदार M76 का स्प्रे दिया उन्होंने, जैसे कि मैं कहता रैबल नहीं रहेगा बट कुछ प्लेयर्स के रैबल रहता है। सक्रिय को यहाँ पे ब्लेजी जो है लेके जाएंगे। अब लास्ट प्लेयर रियोनाइक बाकी रहते अपनी टीम के तरफ से। चार किल ऑलरेडी निकालिए, 1v3 की सिचुएशन है, 1v2 की सिचुएशन है। सीजे को स्पॉट किया, काफी ज्यादा डैमेज दिया। ब्लेजी को स्पॉट करते यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉक कर दिया। न्यू नाइट की भी काफी लो है, 1v2 की सिचुएशन। क्या यहाँ पे न्यू नाइट क्लच कर पाएंगे अपनी टीम की तरफ से? ब्लेजी को यहाँ पे नॉक किया गया, बट सीजे वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आते हैं और फाइनली न्यू नाइट को लेके जाते हैं। वॉट एंड गेम बाय टीम सोल।